सो हमारे चैनल की एक और अमेजिंग नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि MCU यानी कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स आज के समय पूरी दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है। अब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स इतनी बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है तो इससे जुड़े फैक्ट्स भी काफी कमाल के होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम मार्वल्स के टॉप 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। फैक्ट नंबर 1। सो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में टोनी स्टार्क का जो ये टीनेज वर्जन हमें देखने को मिला था, इसे बनाने के लिए इस मूवी के मेकर्स ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर की लेस देन जीरो नाम की मूवी का रेफरेंस लिया था। इन शॉर्ट कहूँ तो लेस देन जीरो मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर काफी यंग दिखते थे। सो इसी मूवी से यंग RDJ के फेस को कॉपी करके सिविल वॉर मूवी में यूज किया गया था। इसकी सिमिलैरिटी आपको स्क्रीन पर क्लियरली दिख रही होगी। फैक्ट नंबर 2। सो कैप्टन अमेरिका के अंदर देश को सर्व करने का जज्बा शुरू से ही था, चाहे फिर कैप्टन की फिजिकल बॉडी उनका साथ दे या फिर नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? एक्चुअली में कैप्टन के डैड जोसेफ रोजर्स की मौत मस्टर्ड गैस के कॉन्टेक्ट में आने से हुई थी, और कैप्टन के डैड भी एक सोल्जर थे जो कि देश को सर्व करते हुए मरे थे, यानी कि शहीद हुए थे। वहीं कैप्टन की मॉम भी अपने देश को सर्व करते हुए ट्यूबरक्लोसिस से मरी थी। अब कैप्टन ने शुरू से ही अपने पेरेंट्स को देश के लिए शहीद होते देखा था, तो हम कैप्टन से देशभक्ति के अलावा और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3। 2012 वाली एवेंजर्स मूवी की फाइनल बैटल वाले सीन में हमें जो पूरी न्यूयॉर्क सिटी दिखाई गई थी वे एक्चुअली में फुली CGI से क्रिएट की गई थी। इसके लिए प्रोडक्शन टीम ने न्यूयॉर्क सिटी की 2.5 लाख से भी ज्यादा तस्वीरें खींची थी, जिन तस्वीर की हेल्प से बाद में एक्टर के अराउंड CGI न्यूयॉर्क को क्रिएट किया गया था। आप यहां पर समझ ही सकते हैं कि पूरी न्यूयॉर्क सिटी को केवल VFX और CGI से क्रिएट किया गया था, क्योंकि इस फाइनल बैटल वाले सीन को एक्चुअल में न्यूयॉर्क सिटी में फिल्माया नहीं जा सकता था। फैक्ट नंबर 4। सो शायद आपने थॉर मूवी में ये नोटिस ना किया हो कि इस वाले सीन में यहाँ पर दो कौए हमें देखने को मिलते हैं। सो इन दोनों कौए का रेफरेंस नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया था, जहाँ नॉर्स माइथोलॉजी में भी ओडिन के पास हुजीन और मुनीन नाम के दो कौए थे जो कि दुश्मन पर नजर रखते थे, उनकी सारी जानकारी ओडिन को देते थे। इन दोनों कौए को हमने एवेंजर्स मूवी के इस वाले सीन में भी देखा था। सो कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये फैक्ट मालूम था या फिर नहीं। फैक्ट नंबर 5। सो क्या आपको पता है 10 नवंबर 2023 को मार्वल के दो कंटेंट रिलीज हुए थे, पहला लोकी सीजन 2 का फाइनल एपिसोड और दूसरा दी मार्वल्स मूवी। सो इसमें फैक्ट ये है कि दी मार्वल्स मूवी में विलन का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस जो एस्टन टॉम हिडलस्टन की वाइफ है, जो कि लोकी का रोल प्ले करते हैं, और जिस दिन जो एस्टन ने मार्वल में अपनी एंट्री की थी ठीक उसी दिन टॉम हिडलस्टन ने लोकी की जर्नी को कम्प्लीट किया था। लेकिन जहां लोकी का फाइनल एपिसोड ब्लॉकबस्टर रहा था, वहीं दी मार्वल्स मूवी फ्लॉप रही। फैक्ट नंबर 6। सो यदि किसी फीमेल एवेंजर्स की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम ब्लैक वीडो का ही आता है, क्योंकि स्कारलेट जॉनसन ने अपनी परफॉर्मेंस से इस कैरेक्टर को सभी का फेवरेट बना दिया था। लेकिन क्या आपको पता है स्कारलेट जॉनसन ने इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए कई सारी फाइटिंग स्किल्स सीखी थी, और साथ ही एवेंजर्स मूवी के एक सीन के लिए स्कारलेट जॉनसन ने रशियन लैंग्वेज भी सीखी थी। वैसे इन्होंने इस सीन में केवल 4 ही रशियन लाइन बोली थी। स्कारलेट जॉनसन चाहती तो इन 4 रशियन लैंग्वेज लाइन को रट्टू तोता की तरह बोल सकती थी, लेकिन वे अपने कैरेक्टर को बहुत एडमायर करती थी, इसलिए स्कारलेट जॉनसन ने इस छोटे से सीन के लिए भी पूरी रशियन लैंग्वेज सीखी थी। इसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया था, और साथ ही इसी इंटरव्यू में उन्होंने कुछ रशियन वर्ड्स भी बोले थे जिसे सुनकर सारी पब्लिक हैरान हो गई थी। फैक्ट नंबर 7। सो हमने जब भी हल्क को स्क्रीन पर देखा है तो उसे ग्रीन कलर का ही बताया गया है, चाहे वह 90s की मूवी हो या फिर करेंट टाइम की मूवीज। लेकिन क्या आप जानते हैं जब हल्क का क्रिएशन हुआ था तो हल्क को ग्रे कलर दिया गया था, लेकिन उस समय ग्रीन कलर प्रिंटिंग के लिहाज से सबसे आसान कलर था, इसीलिए हल्क को ग्रे के बजाय ग्रीन कलर का दिखाना पड़ा।
फैक्ट नंबर 8। सो हम सभी मार्वल फैंस को पता ही है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया की सबसे बड़ी मूवी फ्रेंचाइजी है। लेकिन क्या आपको पता है, मार्वल की इस फ्रेंचाइजी ने अपनी मूवीज से इतना रेवेन्यू जनरेट किया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस, ट्रांसफॉर्मर और डीसी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्स भी मार्वल की रेवेन्यू कलेक्शन को बीट नहीं कर पाए। यदि इन तीनों बड़ी मूवीज फ्रेंचाइजी के रेवेन्यू कलेक्शन को एक साथ भी जोड़ दिया जाए तो भी ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टोटल रेवेन्यू कलेक्शन को बीट नहीं कर पाएंगे। सो इससे आप समझ ही सकते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स दुनिया में कितना फेमस है और उसकी क्या वैल्यू है। फैक्ट नंबर 9। सो मार्वल में जब ब्लैक पैंथर का क्रिएशन किया गया था तो ब्लैक पैंथर के क्रिएटर ब्लैक पैंथर का नाम ब्लैक लेपर्ड रखने वाले थे, लेकिन उस समय इसी सेम नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी भी थी जिस कारण ब्लैक लेपर्ड का नाम ब्लैक पैंथर रखना पड़ा। फैक्ट नंबर 10। सो हमने मार्वल मूवीज में ब्लैक वीडो और ब्रूस बैनर के लव स्टोरी आर्क को कई बार देखा है, स्पेशली एवेंजर्स की मूवीज में, एंड ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में से एक है, क्योंकि कॉमिक बुक में ब्लैक वीडो के काफी सारे लवर्स ऑलरेडी रह चुके हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका, हॉकआई, डेयर डेविल, विंटर सोल्जर, आयरन मैन और यहाँ तक कि हरकुलिस के साथ भी ब्लैक वीडो का रिलेशन रहा है। लेकिन कॉमिक बुक में ब्लैक वीडो कभी भी ब्रूस बैनर के साथ रिलेशनशिप में नहीं आई। वहीं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक वीडो के रिलेशन को एमसीयू से बिल्कुल ही हटकर दिखाया गया। पहली बार ब्लैक वीडो और ब्रूस बैनर का रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। ये रिलेशन तो कभी कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट नहीं किया था। सो ये लव स्टोरी सबसे यूनिक थी, लेकिन हम सभी को पता है कि आगे चल के ये लव स्टोरी भी अधूरी रह गई। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।